वक्त आ गया कि अंदर ले जाके आपको दिखाते हैं। हाय रॉबर्ट, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। ये इनका है और ये जो है ना अंदर लेके जा रहे हैं हमको विजिट कराने के लिए कि भाई अंदर का लेवल क्या है। आज मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा शौक है वो मुझे यहाँ पे नज़र आई है। ये देखिए भाई, पूरा का पूरा जो है ना ये कैंपिंग हाउस ले गया भाई जीप के साथ अटैच करके। ये सीन है भाईजान यहाँ का बेहतरीन। राजा समी भाई, कैसे सर आप? सही से? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? कल की एपिसोड लंदन का जो पार्ट वन हमने बनाया था, होपफुली आप लोगों ने एंजॉय की होगी। कल का दिन मतलब जैसे ही हम लोग आए थे होटल से फौरन निकल गए थे और जितना मैक्सिमम हो सका हमने आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाया। रात को बहुत थक गए थे भाई, आया मैं, सब लोग तो सो गए। इसके बाद फिर जो है ना मैंने जितना हो सका एडिट किया, क्योंकि हमारा भाई रात में ये एडिट का सिलसिला स्टार्ट होता है। और एडिट करने के बाद एक लिमिट आ गई कि बस अब मैंने बोला अब सोना चाहिए वरना चेयर पर बैठे बैठे मैं सो जाऊंगा। तो खैर फिर मैं सो गया था। अभी मैं देखें अपलोड पर लगाई ये वीडियो, 45% अपलोड हो गई है और यहाँ पे लंदन में 9 बज रहे हैं सुबह के। तो आज के दिन का स्टार्ट करते हैं भाई, आगाज करते हैं। और आज के दिन में हम आपको कुछ जगहें लंदन की दिखाएंगे और इसके बाद फिर वापसी हम लोग नॉटिंघम के लिए निकल जाएंगे। तो चलें फिर आज का दिन स्टार्ट करें। ये चेक करें, इंटरनेट की स्पीड जो है ना बहुत ज़बरदस्त मिली। जब हमें अपलोड करते वक्त इंटरनेट की स्पीड बहुत बेहतरीन मिल जाए ना, यकीन करें तबीयत खुश हो जाती है। वरना इसके चक्कर में जो है ना हम बड़ा रुल जाते हैं आप कह सकते हैं। चेकआउट का टाइम हो गया भाई, अब हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। और कैसे हैं मतीन भाई? खैरियत से हैं आप? ये हमारे काशिफ भाई, अब हम निकल रहे हैं। एक और सुबह लंदन की और शाम नॉटिंघम में। ये देखें भाई, ये होटल से बाहर का मंजर और बिल्कुल सामने जो है ना बिग बैन टावर आपको नज़र आ रहा है। गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे और हम जा रहे हैं। मैं किसी का कमेंट देख रहा था कि भाई आप क्रूलुश उस्मान देखते हो? नहीं, मैं देखता हूँ, मैं रेगुलर देखता हूँ, हर थर्सडे एपिसोड आती है मैं देखता हूँ। लेकिन जो है ना जब से अभी इस ट्रैवल के अंदर हूँ ना, तो मेरी एक एपिसोड मैं मतलब पीछे चल रहा हूँ। मैं अभी लास्ट जो एपिसोड आई थी आई थिंक 95 आई थी, मैंने नहीं देखी बिल्कुल। ये देख ले भाई, टेस्ला यहाँ पर जो है ना ऐसे खड़ी होती है जैसे सिविक खड़ी हुई है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखिए यहाँ पे भी टेस्ला खड़ी हुई है, पीछे भी टेस्ला है। और चल भाई बैठते हैं गाड़ी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, अब हम एक जगह पे रुके हैं और ये देखिए बैक साइड पे आप देख सकते हैं टिम हॉर्टन्स, जो कि कैनेडियन जो है वो चेन है। सही है, यहाँ पे यूके में भी है। और आज हमारे साथ जो है समी भाई ने भी हमें ज्वाइन किया। राजा समी भाई, कैसे सर आप? सही से? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो आज हम आपके साथ टिम हॉर्टन्स जा रहे हैं सर। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा भाई, देखते हैं जरा अंदर जाके क्या सीन है। थैंक यू, थैंक यू। अंदर जाने से पहले एक और चीज़ आप लोगों को बताऊँ, अभी जब हम लोग होटल से चेकआउट करके निकले ना, तो पता नहीं क्यों रात में हमने जो है ना, आप लोगों ने तो वीडियो में देखा होगा कि हमने शावरमा खाया था। सही, शावरमा के बाद हमारे एक दो साथी हैं उनको और मतलब भूख लगी थी, तो रात में होटल में हम लोगों ने मंगवा लिया भाई KFC। ठीक है, और KFC का जो एक्सपीरियंस था, मतलब यहाँ के KFC का इतना मज़ेदार एक्सपीरियंस नहीं था, हलाल था, तो इसीलिए हमने मंगवा लिया था तो भाई खाया। लेकिन रात को पता नहीं क्या हुआ यार, आखिरी वो खाया था। सुबह जैसे ही हम लोग चेकआउट करके निकले ना, तो तबीयत जो है ना अजीब सी, बिल्कुल मतलब दिल ख़राब हो रहा था। और फिर एक सर्विसेज एरिया के अंदर हम रुके, तो वहाँ पे जो है ना समझ लें वोमिट का बहुत ख्याल आ रहा था, दिल इतना ख़राब हो गया कि फिर वोमिट हो गई। लेकिन अच्छा हुआ हो गई, तो जो है ना तबीयत जो है वो थोड़ी सी इसके बाद जान में जाना ही, वरना तो तबीयत में बिल्कुल भी मज़ा नहीं था। तो ये सीन हो गया भाई, तो इसकी वजह से थोड़ा जो है ना सुबह जो थी ना मेरी वो अपसेट थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना फीलिंग बेटर। और अंदर चलते हैं, अंदर का सीन दिखाते हैं आपको। ये भाई टिम हॉर्टन्स, सही है, लोग बड़े दीवाने भाई यहाँ की कॉफ़ी के। ठीक है, देखें अच्छी खासी आवाम यहाँ पे बैठी हुई है और यहाँ पे भी ऑर्डर का यही सीन है। आप इसी से आप पे करेंगे, ऑर्डर देंगे और आगे बढ़ेंगे। ये चेक करें डोनट्स वगैरह, ये देखें यहाँ पे काफ़ी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो डोनट्स हैं, चॉकलेट डिप। और प्राइस वगैरह भी आप लोग देख लें भाई, जो लोग पूछ रहे हैं प्राइस का, कि भाई वहाँ पर प्राइस बताया करें। 189 का है ये, 219 का है। ठीक है, और ये फिर जो है वो इनकी कॉफ़ीज़ हैं। और ये देखें भाई, यहाँ पे कॉफ़ी प्रिपरेशन वगैरह ये वो सारा कुछ चल रहा है सीन। ये भाई कॉफ़ी आ गई है, सही है, ये देखें सबने कॉफ़ी मंगवाई है। और मेरे लिए जो है ये जूस है, ये स्ट्रॉबेरी जूस है। ठीक है, अब जो है वो मैं ये भी ट्राई करके आपको दिखाऊँगा। और इसके अंदर क्या है ज़रा हम चेक करते हैं, क्योंकि जब ये लोग ऑर्डर दे रहे थे उस वक्त मैं बाहर था, आई वॉज मेकिंग वीडियो। जो लोग खाएंगे भाई आ जाएं, आप लोग भी ज्वाइन कर लें, वर्चुअली ज्वाइन कर लें हमको टिम हॉर्टन्स पे। वाह भाई वाह, ये देखें
ये देख के तो जिन लोगों ने टिम हॉर्टन्स पहले खाया होगा ना उनके मुंह में पानी आ गया होगा फॉर श्योर। चलें भाई हम बिस्मिल्लाह करते हैं, ये समझ लें आप आज का हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ पे हो रहा है थोड़ा सा लेट। बिस्मिल्लाह ये जूस बहुत अच्छा है भाई, आप लोग बताएं कि सबसे पहले जो है वो कौन सा ट्राई करना चाहिए। आई थिंक दिस वन सही है, ये हम जो है वो ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ज़बरदस्त टेस्ट में, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, बहुत फ्रेश है भाई। अब हमने नाश्ता तो हल्का फुल्का कर लिया ठीक है, अब हम लोग उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे इतने दिन से, मतलब जिस दिन फर्स्ट डे मैं यूके आया था और मैंने एक चीज़ देखी थी और मैंने बोला भाईजान ये मुझे चाहिए यार, मतलब मैं इसी चीज़ का तो दीवाना हूँ। आप लोगों को पता मुझे एडवेंचर वगैरह का बड़ा शौक है ठीक है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा सरप्राइज़ रखता हूँ और वहाँ पे पहुँचते हैं इंशाल्लाह। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं आपको वो दिखा सकूँ जो मैंने देखा है, अंदर से मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी बाहर से ही देखा है, लेकिन हम लोग उस जगह पर जा रहे हैं ठीक है। और इसके बाद लंच करेंगे हम आज जो है ना बेहतरीन किस्म का ऑथेंटिक कराची का खाना, सही है, निहारी कोरमा ये वो। चलें आप लोग भी करेंगे तो फिर चलें साथ, चेक करें। सीन स्टार्ट हो गया भाई, ये कैरवान पार्क बना हुआ है यहाँ पे ठीक है ना। अब यहाँ पे लोग अपने कैरवान लेके जो कैंपिंग पॉड्स टाइप के होते हैं ना, जो व्हीकल के साथ बने हुए होते हैं, आप समझ लें कैंपिंग वैन आप कह लें इजी वर्ड्स के अंदर, तो वो भी लोग लेके आते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट जो है ना और भी कैंपिंग पॉड्स वगैरह टाइप का भी सीन होता है, सही है। तो लोग अपने हॉलीडेज में अक्सर जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे जरा एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है। जस्ट अभी हमने गाड़ी पार्क की और गाड़ी से बाहर आए और ये देखें दो चीज़ें सामने खड़ी हुई हैं, इसके नीचे व्हील लगे हुए हैं, ये बाकायदा पूरा एक जो है ना बड़े घर जितनी जगह के ऊपर बना हुआ है, सही है। ये दो खड़े हुए हैं, इसके अंदर हर फैसिलिटी है, लाउंज है, ड्राइंग रूम है, इसके अंदर बेडरूम है, किचन है, वॉशरूम है, एवरीथिंग इज इन देयर ओके। और ये जो है ना इन लोगों के देखें आप शौक हैं कि ये लोग कितना लाइफ को इंजॉय करते हैं, ये हर अगला बंदा आपको अपनी गाड़ी के साथ कैंपर वैन लगा के जो है ना आता जाता हुआ नजर आता है। ये देखें कितना बड़ा बना हुआ, नीचे देखें व्हील लगे हुए, इसके अंदर लोग ये बनवाते भी हैं ऑर्डर पे, रेंट पे भी लेके जाते हैं, पूरा सीन है यहाँ पे। और भाई मेरे बस में होना तो मैं तो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे कैंपर के अंदर जो है ना आराम से किसी खूबसूरत जगह पे जाके गुजार दूँ। अब आप ये देखें हम यहीं पे खड़े हुए थे और यहाँ पे एक गाड़ी आ गई, ये देखें अब इसको टो करके ये लेके जा रहे हैं। अब या तो कोई बुकिंग आई होगी, किसी ने हायर किया होगा, ऑर्डर किया होगा, तो ये देखें अब इसको लेके जा रहे हैं। अब ये जीप के थ्रू अटैच करके इतना बड़ा जो है ना कैंपर लेके जा रहे हैं, अब इसको प्रॉपरली ये इंश्योर करेंगे कि सही से अटैच हो गया, क्योंकि यार ये एक बहुत महंगी चीज़ होगी। अच्छा इसकी कॉस्ट के हवाले से मैं आप लोगों को आइडिया दूंगा ये कितने का होगा। यहाँ पे कैंपर जो है ना 20,000 पाउंड से स्टार्ट होते हैं, 1-1.5 लाख पाउंड तक जाते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी फैसिलिटीज़ हैं, कितनी किस क्वालिटी का बना हुआ है, सारा बिल्ड क्वालिटी क्या है। ये देखिए भाई पूरा का पूरा जो है ना ये कैंपिंग हाउस ले गया भाई जीप के साथ अटैच करके, ये सीन है भाईजान यहाँ का बेहतरीन। इस तरह काम हो रहा है यहाँ पे। अब चेक करें ये जो गोरे लोग होते हैं ना, ये रिटायरमेंट के बाद इन लोगों की बड़ी इस तरह की हॉबीज़ होती हैं, ये इस तरह के ले लेते हैं लीज़ के ऊपर, 30-30, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार पाउंड के अंदर मिल रहे होते हैं। अब ये देखें ये फोर सेल के ऊपर लिखा हुआ है और कितना प्यारा बना हुआ, आप चेक करें ये पूरी साइट है, इसके ऊपर अलग अलग आपको इसी तरह के मिलेंगे। लोग यहाँ पर बड़ी एज के अंदर आके जो रिटायरमेंट के बाद आगे बहुत इन्जॉय करते हैं, आगे सामने लेक है, फिशिंग चल रही है, ये देखें कितना ज़बरदस्त बनाया हुआ है। और पीछे पूरे ये देखें सारे लाइन से यही है लॉजेस बने हैं, हॉलीडे लॉजेस। अब ये सामने चेक करें देखें, इन्होंने तो लगता है मूव ही हो गए, यहीं पे रह रहे हैं ये तो, सालों रहते हैं यहाँ पे आगे। फिर लोग किस तरह अच्छे से जो है वेल डेकोरेट किया हुआ। जब इंसान ट्रैवल करता है ना तो उसका जहन काफ़ी खुलता है, वो देखता है दुनिया के अंदर क्या, दुनिया के अंदर क्या क्या हो रहा है, सही है। लोग जो है वो स्ट्रेस को कम करने के लिए जो है वो क्या क्या काम कर रहे होते हैं। अब ये देखिए ना ये एक स्ट्रेस फ्री लाइफ है जो ये लोग यहाँ पे आगे कर रहे होते हैं, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, आराम से रहते हैं यहाँ पे। और क्या क्या है देखें यार, क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं ज़बरदस्त, हमारे मुल्क में भी होनी चाहिए भाई ये सारी चीज़ें। हमारे पास भी इतनी ज़बरदस्त साइट्स हैं कि वहाँ पर अगर ये सारे लॉजेस बना दिए जाएँ, ये सारी चीज़ें बन जाए तो क्या बात हो जाएगी। तो वक्त आ गया कि अंदर ले जाके आपको दिखाते हैं। हाय रॉबर्ट, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। ये इनका है और ये जो है ना अंदर लेके जा रहे हैं हमको विजिट कराने के लिए कि भाई अंदर का लेवल क्या है। ये देखें एंट्रेंस के साथ ही एक जो है वो वर्किंग टेबल या स्टडी टेबल आप कह सकते हैं, और
वेरी ब्यूटीफुल रॉबर्ट, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ देखिए आप कितना प्यारा ज़बरदस्त कॉम्पैक्ट, मतलब कम जगह के अंदर बहुत अच्छा सा किचन बनाया हुआ है, ठीक है। और सामने सारा सामान रखा हुआ है, ये देखें सामने सारा सामान, एग वगैरह भी रखे हुए हैं, रेडी है बिल्कुल। और ये देखें आप डाइनिंग टेबल यहाँ पे है, सही है। ये आपका लिविंग रूम हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, आराम से आप बैठें। फिर यहाँ पे आप आ जाएं, देखें कपड़े भी सूख रहे हैं। यहाँ पे आप आ जाएं सामने, तो ये देखें टेरेस, टेरेस टाइप का सीन है। इसको हम आपको चेक कराते हैं, ये देखें क्या ज़बरदस्त मंजर है। सामने है लेक और यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं सब, ठीक है। ये देखें कितना ज़बरदस्त प्यारा मंजर है यार। अब देखें ये सारे काम जो है ना यहाँ पे लोग कर रहे होते हैं एंजॉय करने के लिए लाइफ। देखें सारे लाइन से इसी तरह के लॉजेस बने हुए हैं, बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त यार। मतलब सीरियसली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, मुझे तो ऐसी जगहों पर रहने का ऐसा शौक़ है कि बस बंदा यहीं पर रहे, घर में रहने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी को घर बनाए बंदा और यहीं पर रहे आराम से। अच्छा आगे भी है, अंदर भी है, ये देखें बेडरूम, ये चेक करें आप, पूरा है, मतलब यार पूरा फ्लैट है भाईजान। ये स्टोर रूम भी है, ठीक है। और ये एक बेडरूम, कितना ज़बरदस्त बेडरूम यार। मतलब मूवेबल लॉजेस के अंदर देखें आप ज़रा किस लेवल की चीज़ें बनी हैं। ये देखें यहाँ पे भी स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे आपका जो है वो वार्डरोब आ गया सारा, ये जो है वो वॉशरूम आ गया सारा, देखें शावर का और सब कुछ सीन। और ये देखें जी काशी भाई, शिफ्ट हो जाए यहीं पे, हो जाना चाहिए ना। अब ये देखें बहुत बेहतरीन बना हुआ यार। ये देखें अब सिंगल बेड लगे हुए हैं इसके अंदर, कमाल हो गया यार। आज तो मेरी तबीयत खुश हो गई ये देख के, सीरियसली। और आप लोगों की भी देख के खुश हो गई, बल्कि आप लोगों का तो दिल कर रहा होगा कि यार यहाँ पे आके अब रहना है, सही है ना। ये देखें ये बाहर का मंजर है सारा यहाँ से, किड्स के लिए बनाया है। हाँ ये बच्चों के लिए ना, देखें बच्चे आराम से अपने रूम में एंजॉय करें। टेंशन फ्री लाइफ भाई जान, यहाँ पे टेंशन फ्री लाइफ। अब उस बेडरूम के साथ वॉशरूम वगैरह था। हाँ ये देखें यहाँ पे भी इसके साथ भी वॉशरूम है, क्या यार जबरदस्त, माशाल्लाह दिमाग को इस्तेमाल किया है ना देखें लोगों ने। ये देखें ये हम लोगों ने अभी तक सिर्फ मूवीज के अंदर ही देखा है ये सारा मंजर, जो कि यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें अब ये भी बड़ी एज का एक बंदा है, यहाँ पे फिशिंग कर रहा है बैठ के आराम से, ठीक है ना। हाँ लाइफ एंजॉय कर रहा है ये। वो भी देखें, वो देखें सामने एक और बंदा बैठा हुआ है, वो भी फिशिंग कर रहा है बैठ के। वो देखें अपने डॉग के साथ एक और बंदा है यहाँ पे बराबर वाले लॉज के अंदर। ये जो रॉबर्ट है जिनका ये लॉज है, ये बता रहे हैं कि मैं 11 महीने यहाँ पे रहता हूँ, 11 महीने। अब आप सोचें कि यहाँ के लोग कितना रिलैक्स करते हैं। I must say, great, beautiful place. Thank you very much. Thank you. Nice meeting you. And you, you take care. आप चेक करें यहाँ पे, देखें छोटे छोटे जो है ना गोल्फ कोर्सेज बनाए हुए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपनी अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ये लोग एंजॉय कर रहे हैं गोल्फ। देखें काफी बड़ा एरिया बनाया हुआ है। तो ये बताएं कितने लोगों को शौक है, ये हमने लॉजेस तो दिखा दिए, मूवेबल लॉजेस दिखा दिए आपको। एक होती है कैंपिंग वैन, जिसका मुझे सबसे ज्यादा शौक है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को जो है ना बहुत ज़बरदस्त एक जगह पे लेके जाऊंगा। आज पॉसिबल हुआ तो आज, नहीं तो वो क्योंकि दूसरे सिटी के अंदर है जहाँ पे वो बनते हैं, और कितने के बिकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, सारी आपको दिखाएंगे। उसका भी मुझे जो है ना बड़ी जल्दबाजी है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ। अब जो है ना लंच का टाइम होने वाला है, लंच करने के लिए हम जा रहे हैं, ऑथेंटिक कराची का खाना खाएंगे आज, ठीक है। और बड़ा जो है ना दिल कर रहा है कराची का खाना खाने के लिए, बड़ी याद आ रही खाने की। और देखें बारिश स्टार्ट हो गई, मौसम जो है ना भी फुल बारिश वाला हो गया, सही। बादल वादल आ गए हैं, बारिश स्टार्ट हो गई, तो मैंने वाला जरा आपको रास्ते के भी कुछ मंजर दिखाते हैं। अंधेरा भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा बादलों की वजह से। ये पहुंच गए फाइनली, ये देखें भाई अलादीन कबाबिश, ये है रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। अब पार्किंग ढूंढनी है, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे, सही है। पार्किंग ढूंढ के अब हम यहाँ पे खाएंगे खाना। ये देखें यहाँ पे पार्किंग ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, पार्किंग का ये सीन है कि यहाँ पे नहीं खड़ी रख सकते। ये देखें पार्किंग के लिए अलग से जो है ना ये अलग से एक बॉर्डर लाइन बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर तो आप जो है ना गाड़ी खड़ी कर सकते हैं अगर आपको मिल गया तो, उसके ऊपर भी खैर पार्किंग पे करनी पड़ती है, वो लोग पे कर रहे हैं, लेकिन ये है कि देखें इसके अंदर ही खड़ी करनी है। अगर इसके बाहर आपने खड़ी कर दी, यहाँ खड़ी कर दी, तो फिर जो है ना टिकट के लिए तैयार हो जाए। अच्छा ये जो दोनों भाई हमारे आगे चल के जा रहे हैं ना, इन दोनों के साथ भरपूर हॉरर वाकियात हुए, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता रहा था। प्लस आप लोगों को एक और बात बताऊं कि यूके के अंदर जितनी हॉरर बिल्डिंग्स हैं, हॉन्टेड बिल्डिंग्स हैं, और इंग्लैंड जो है उसको कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड कंट्री है इंग्लैंड, तो ये सीन है। तो यहाँ पे तो हॉरर वाकयात की कोई कमी नहीं है। कल परसों हम लोग गाड़ी में बैठ के ये लोग तो सुना रहे थे वाकयात, मैं तो हिल गया, मैंने बोला भाई क्या बता रहे हो। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हमने प्लान किया हुआ है, सही है ना। और सर्दी तो ऐसी बढ़ गई है, कराची वाले तो वहाँ पे जो है ना उबल रहे हैं गर्मी के अंदर यार, मतलब इतनी ख़तरनाक वहाँ पे गर्मी है। और यहाँ पे देखें बारिश चल रही है, बेहतरीन मौसम, बेहतरीन।
अभी हम लोग काफी लंबी ड्राइव के बाद पहुंचे, मतलब मैंने इस रास्ते में 3-4 बार तो उठा हूँ सिर्फ नींद से, इतनी नींद खींची है। ऐसे ही काशिप भाई भी पीछे खींच रहे थे नींद, ऐसे 2.5 घंटे की ड्राइविंग के बाद पहुंचे। काफी हालत आगे देख, सर्दी देख रहे हैं कितनी है, काशिप भाई की हालत देख रहे हैं आप लोग। ये भाई हम लोग अंदर आ गए हैं अलादीन कबाबिश, यहाँ आज जो है ना हम लोग खाना खाएंगे समी भाई के साथ। समी भाई ने बोला कि आज हम आपको बेहतरीन कराची का जो है ना खाना खिलाते हैं, मजा आएगा खाना खा। चलें बेहतरीन, अब हम आज देखते हैं समी भाई किस लेवल का खाना खिला रहे हैं हमको इंशाल्लाह। अब मेन्यू दिखाते हैं आपको ज़रा कि क्या क्या स्पेशल है यहाँ पे, देखें अलग से लिखा हुआ ब्रैकेट में कराची स्टाइल, ठीक है ना। ये भाई कराची निहारी है, सही है, लैम्ब और चिकन की है, फिर कराची हलीम भी है यहाँ पे, कोरमा भी है। अच्छा प्राइजेज़ आप लोग पूछते हैं ना भाई, ये देखें सबकी प्राइजेज़ सामने लिखी हुई हैं, 14, 12, और फिर चिकन कढ़ाई है, नमक मंदी है, पाया भी है भाई पाया, लाहौरी साग है, सिंधी बिरयानी है, मुर्ग हांडी है, यखनी पुलाव है और करेला गोश्त है, ये सारी इनकी स्पेशलिटी है। जब हम लोग निहारी खाने के लिए जाते हैं ना तो सबसे पहले आ जाती है ना ये चीज़ें भाई, देखें मसाला जाती है, आ गया भाई साहब, भाई खाना आ गया है, ये देखें फ्राइज कैचअप, ये तो आप लोगों को पता है कि हर दस्तरखान में हमारे नज़र आता है। अच्छे भाई ये है असल चीज़ हलीम लैम की है, और ये जो है ना लैम निहारी है, दिखने में तो बड़ी अमेजिंग लग रही है। अब ज़रा ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या सीन है। ये रोटियां भी आ गई हैं और ये आ गया भाई चिकन कोरमा। सबसे पहले जो है ना हम हलीम ट्राई करेंगे, ठीक है ये तो लेट तो वाह भाई बहुत हलीम जो है ना बहुत ज़्यादा थिक है, इतनी मज़ेदार भी होगी मुझे लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो जो है ना हम हलीम को ऐसे ही खाएंगे बगैर रोटी के, डायरेक्ट खाने का जो मज़ा है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें गर्मा गर्म धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। बहुत ज़बरदस्त, हमारे जो है ना समझ लें मिजाज के हिसाब से इसका टेस्ट है और स्पाइसेस भी उसके हिसाब से। और जब बिरयानी ना हो ना तो फिर तो समझ लें कि सब कुछ इनकम्प्लीट है, बिरयानी भी आ गई है, ठीक है। ये बिरयानी भी लैम की है, सही है, ये भी हम ट्राई करते हैं अभी। ये भैया चिकन कोरमे की टर्न है, ये आ गया भाई चिकन की बोटी भी आ गई, कोरमा भी आ गया, चिकन कोरमा भी बहुत लजीज है, बहुत ज़बरदस्त। अब जो है ना निहारी की टर्न है, सही है, ये निहारी निकाल ली हमने, लैम निहारी है, ये बोटी, आह हाँ हाँ, सारी चीज़ें वाकई ऑथेंटिक कराची की। अब हम जो है ना अपने फाइनल आइटम की तरफ बढ़ते हैं, बिरयानी की तरफ, लैम बिरयानी, और ये देखें इसमें आलू भी है, बिल्कुल साफ साफ बोटी है इसके अंदर, और ये आ गया आलू, और ये आ गया पहला निवाला। बिरयानी भी बहुत ज़बरदस्त है, अगर इन सारे आइटम्स के अंदर मैं आपको रेट करूँ ना, सबसे टॉप ऑफ द लाइन हलीम लगा है, इसीलिए हमने वो एक और मंगवा लिया, बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी थी। सबसे पहले हलीम, इसके बाद निहारी, इसके बाद बिरयानी, इसके बाद कोरमा, बेहतरीन एक्सपीरियंस हो गया। अब जो है ना मीठे की बारी है, खाना तो खा लिया हम लोगों ने, ये आ गया फालूदा भाई, ठीक है, और ये आ गई खीर। अब आपको पता है कि अगर हम कराची में कहीं खाना खाते हैं तो उसके बाद जो है ना खीर तो हर जगह पे होती है, सही है, तो अब हम जो है ना पहले खीर को ट्राई करते हैं, ये चेक करें, भाई जो है ना अब गाजर का हलवा भी आ गया। हमने सोचा कि सारी चीज़ें जो है ना ट्राई करेंगे, भाई ये गाजर का हलवा और जो है ना गुलाब जामुन भी आ गए हैं, क्योंकि इस रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं वो भी आए थे, फल से उनसे मुलाकात भी कर रहे थे। ये सर ठीक है, तनवीर भाई, ये इनका रेस्टोरेंट है माशाल्लाह, और हम जो है ना खाना खा के बड़ा मज़ा आया। ये तो खैर अभी आए, हमारे निकलते वक्त तो इनसे मुलाकात हो गई, तो इन्होंने कहा कि भाई ये दो चीज़ें और भी आप जो है ना ट्राई करें, गाजर का हलवा भी और गुलाब जामुन भी, ये भी ट्राई करते हैं ज़रा। मेरे ख्याल से खीर से ऊपर गाजर का हलवा है, जिस लेवल का हलवा है,
और गर्मा गर्म है बिल्कुल। और जो बाहर मौसम बना हुआ है ना, जो बारिश वाला सर्दी वाला मौसम है उसके अंदर, तो हो आप फील करें कैसा लगता है गाजर का। थैंक यू समी भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत ज़बरदस्त आपके साथ जो है हमने लंच भी कर लिया। थैंक यू जी। अब समी भाई जा रहे हैं और हम अपना जो है वो नॉटिंघम की तरफ निकल रहे हैं। भाई दो दिन के बाद फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं नॉटिंघम। सही है, ये रहा भाई अपना घर। अब बस सामान वामान लेके ऊपर जा रहे हैं। ये देख रहे हैं अभी तक उजाला है थोड़ा थोड़ा और टाइम हो रहा है भाई, बैटरी भी लो हो गई है घड़ी की। टाइम क्या हो रहा है, 10 बज रहे हैं। 10 बजे हम पहुंचे यहाँ पे। सामान निकालते हैं ज़रा। सब ने अपना थोड़ा थोड़ा सामान लिया हुआ था। ये रहा भैया अरे अपना बैग सारा। अल्लाह हू अकबर। चलिए भाई सबसे पहले फ़ोन चार्ज पे लगाएं, इसके बाद वीडियो एडिट करने के लिए बैठेंगे, ठीक है, और रेस्ट करेंगे आज इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा कुछ अभी दिखाना बाकी है। होपफुली आप लोगों ने आज की भी जो है वो वीडियो को, लंदन के पार्ट टू को पसंद किया होगा। अभी सीन बहुत बाकी है, इंशाल्लाह और भी शहर जाना है। अभी तो समझ लें कि ब्यूटी स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो स्कॉटलैंड, एडिनबरा और भाई बहुत कुछ बाकी है इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, आपको हर तरह की चीज़ इंशाल्लाह दिखाऊंगा। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा, उससे भी काफ़ी सही चीज़ों का इंसान को आइडिया होता है। और जो यहाँ पे बड़े लेवल की चीज़ें वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो फिर मिलते हैं भाई इंशाल्लाह। बस मैं नमाज़ पढ़ूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा। सलाम अलैकुम।